हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो मैं हिंदी में करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ कोई हिंदी में वीडियो करो। सो आज मैं हिंदी में बात करूँगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप चाहते हैं कि मैं वीडियो हिंदी में करूँ या इंग्लिश में करूँ। हम बनाने वाले हैं बीबी क्रीम, जो आजकल मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा चल रही है। वैसे तो पॉन्स और गार्नियर ही बहुत चल रही है और बहुत अफोर्डेबल भी होती है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज हम इसे घर पे बनाएं, और ये बहुत अच्छी बनी है, ट्रस्ट मी। फिलहाल अपने फेस पे सिर्फ और सिर्फ बीबी क्रीम लगाइए, और कुछ भी नहीं लगाया, प्राइमर कॉम्पैक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीबी क्रीम है और थोड़ा आई मेकअप और लिपस्टिक है बस। ये बीबी क्रीम बहुत ही अच्छी है, इसमें सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजर है, एलोवेरा जेल है, और बहुत ही अच्छा कवरेज देती है, और ये सारे स्किन टाइप्स के लिए अच्छी है, यानी कि ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, सारे स्किन टाइप्स पे ये बीबी क्रीम बहुत अच्छे से सूट करेगी। पर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बीबी क्रीम कैसे बनाई जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज मैं वीडियो हिंदी में कर रही हूँ, तो कुछ गलती भी हो सकती है, तो सॉरी फॉर दैट। और अभी टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून मॉइस्चराइजर लिया है और 1 टीस्पून सनस्क्रीन लिया है। यहाँ पे मैंने जॉय का मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। तो अब हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। मैं 1 स्पून फाउंडेशन ऐड करेंगे, मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। टेक्सचर देखिए, तो हमारी बीबी क्रीम तैयार है। मैंने वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, तो मैंने ये थोड़ी क्वांटिटी दूसरे इसमें निकाल ली और वो वाली रख दी है। ये सेम बीबी क्रीम है जो हमने आज अभी बनाई है। बात करते हैं कुछ बीबी क्रीम के बेनिफिट्स के बारे में, और वो क्यों लगाना ज़रूरी है या क्यों लगानी चाहिए, उस बारे में बात करते हैं। चलिए बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं। मैं हाफ ऑफ फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि आप डिफरेंस देख सकें। मेरे फेस पे फिलहाल कुछ नहीं है, लिपस्टिक और थोड़ा आई मेकअप को छोड़कर। मैं इसे हाथों से, तो मैंने हाफ फेस पे बीबी क्रीम अप्लाई की है, इस साइड पे की है और इस साइड पे कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इधर थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज लग रहा है, और आप मेरे डार्क सर्कल्स देखिए, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी कम लग रहे हैं। और ये बीबी क्रीम बहुत बहुत अच्छी बनी है। कुछ देर में मैं डेमो इंसर्ट करूँगी, पर तब तक हम बात करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बीबी क्रीम लगा चुकी हूँ। बहुत ही लाइट कवरेज देती है, जो हमें डेली वेयर के लिए चाहिए होती है, और फाउंडेशन ज़्यादा कवरेज देती है। क्रीम यानी कि ब्लेमिश बाम, और हम डेली बेसिस पे हमेशा फाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं, वो हमारे स्किन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो हम लगाते हैं बीबी क्रीम ताकि हमें एक अच्छा कवरेज मिले, हमारे जो ब्लेमिशेज है, थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स हैं, वो अच्छे से कवर हो जाए और हमारी स्किन अच्छी भी रहे। हमेशा हमें फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मार्केट में बहुत टाइप की बीबी क्रीम आती है। कुछ बीबी क्रीम ड्राई स्किन के लिए होती है और कुछ ऑयली। तो आपको चूज़ करना है कि आपकी स्किन किस टाइप की है, और उस हिसाब से आपको बीबी क्रीम लेनी है। बट अगर आप ये बीबी क्रीम घर पे बना रहे हो, जैसे मैंने बनाई है, तो फिर ये ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों स्किन टाइप के लिए चलेगी। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो सिर्फ आपको इसे कॉम्पैक्ट के साथ अच्छी तरीके से सेट करना है। बीबी क्रीम के अंदर सनस्क्रीन होता है, मॉइस्चराइजिंग होता है, सब कुछ होता है। तो आपको अलग से और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप बीबी क्रीम लगा लीजिए अपने फेस पे और आप बस चले जाइए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगाना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल है, तो कॉम्पैक्ट को भी आप अवॉइड कर सकते हो। होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ऑयली है, कभी कभी ड्राई हो जाती है, बट फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ऑयली है और मेरे लिए भी ये बीबी क्रीम बहुत अच्छी तरीके से सूट करती है। और मुझे ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए आपको ये बीबी क्रीम कैसी लगी, और आप कोई और वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं सारे आपके रिक्वेस्ट देख सकूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।